नमस्कार, मैं हूं किशोर मकवाना। मेरा मूल गांव है चोटीलका के पास थानगढ़ है। 32 साल से मैं यहां राजकोट में आया हुआ हूं। मेरा जो कार्यक्षेत्र है वो ग्राफिक डिज़ाइन का है और सोशल में भी मैं ज़्यादा दिलचस्पी रखता था, तो तरह तरह की जो सोशल वृत्ति हुआ करती थी, जो सोशल कार्य हुआ करता था उसमें मैं दिलचस्पी लेता था। जैसे कि पर्यावरण का होता है, जैसे अंधश्रद्धा दूर करने का होता है, हिंदी में इसके लिए एक खास शब्द हुआ करता है अंधविश्वास। तो वो अंधविश्वास किस तरह से दूर किया जाए वो मैं सोचता था। तो मुझे पता चला कि जो भी चमत्कार होते हैं इसके पीछे या तो हाथ चालाकी हुआ करती है या कोई केमिकल की कमाल होती है। मेरे कई जादूगर मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि देखो इस तरह से ये हाथ चालाकी हुआ करती है। तो मुझे लगा कि मुझे भी ये सीखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि जिस तरह से ये हम चमत्कार मान रहे हैं वो हकीकत में चमत्कार नहीं होता है। तो मैंने देखा कि कौन कौन से चमत्कार हुआ करते हैं, तो उनमें से मुझे लगा कि कुछ ऐसे चमत्कार हम खोजें जो हमारे घर की सामान्य चीज वस्तुओं से ये चमत्कार हुआ करता है। और ऐसे चमत्कारों को मैंने सीखा और देखा कि ये बड़ी हल्की तरह से ये हो सकता है। जैसे मैं अकेले नहीं, छोटे बच्चे भी ये कर सकते हैं। जैसे नींबू में से सुई धागा निकालो तो वो बच्चा भी निकाल सकता है। तो इसके पीछे चमत्कार जो होता है वो नज़रबंदी का होता है कि खाली बर्तन में से प्रसाद निकालते हैं और आप जो मांगे वही प्रसाद निकल सकता है। तो मैंने इसकी प्रैक्टिस की और उसे शामिल कर लिया। फिर मेरे मित्रों ने बताया कि भाई पानी से भी आग लग सकती है, तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी एक चमत्कार करके दिखाते हैं। अनपढ़ लोगों में ही अंधश्रद्धा हुआ करती है, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखों में भी बहुत सी अंधश्रद्धाएं हुआ करती है। जहाँ कहीं भी मानव है वहीं अंधश्रद्धा है। इसलिए मैं यहाँ कहना एक चाहूँगा कि दूसरों के प्रभाव में न जिए, अपने स्वभाव में जिए। जो दूसरों के प्रभाव में जीता है वो सदंतर अंधविश्वास में ही फंसा रहता है, छलाव में आ जाता है। और जो अपने स्वभाव में जीता है वो हमेशा अपने ही बचाव का रास्ता निकाल लेते हैं और किसी प्रकार का अंधविश्वास में वो नहीं मानते। कंकु जो वो है वो सिर्फ तिलक लगाने के लिए होते हैं। तो हम यही कहते हैं कि भाई कंकु निकालने में जो आपको परेशानी होती है या ताकत करनी पड़ती है तो आप थोड़ी मेहनत बढ़ाइए और हाथ में कंकु नहीं अनाज का आटा निकालिए, जैसे गेहूं का, बाजरे का, ज्वार का। क्योंकि हमारे जो समाज में 55% जो लोग हैं उसे दो वक्त की रोटी नहीं मिलती। कंकु से पेट नहीं भरेगा, आप आटा निकालेंगे तो उसको दूसरे ढंग का खाना भी मिल जाएगा। पानी से आग लगाते हैं तो उसके पीछे केमिकल की कमाल हुआ करती है। एक सोडियम मेटल नामक पदार्थ आता है जो कम से कम 5,000 रुपये का मिलता है। इसका गुणधर्म, इसका तत्व वो स्वभाव रखता है कि इसे पानी स्पर्श करता है तो वो जल जाता है, उसे केरोसिन में या ऑयल में रखना पड़ता है। कोई चमत्कार कभी हुआ नहीं और आज की तारीख में होता भी नहीं है। जो भी चमत्कार हुआ है या हो रहा है वो मानव सर्जित हुआ करता है। इसके पीछे हाथ चालाकी होती है या तो केमिकल की कमाल हुआ करती है। यदि आपके जीवन में से दो चीजें निकल जाए, डर और लालच, तो मेरे ख्याल से आपको अंधश्रद्धा में मानने का कोई उपाय नहीं रहेगा। आप अंधश्रद्धा छोड़ेंगे नहीं, अंधश्रद्धा खुद अपने आप छूट जाएगी। यदि आपको ये अंधविश्वास दूर करने का विषय पसंद आए और मेरी बात पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक दी गई है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। और इस वीडियो के नीचे एक लिंक दी गई है, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस लिंक में डिटेल दी गई है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप इस तरह के किसी भी विषय को जानते हो, कोई व्यक्ति को जानते हो तो इसका इस तरह से भी वीडियो बन सकता है। तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।